नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेस में। हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, एग्जाम से पहले इसे आप जरूर देखें। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किसी पिंड का वेग कब समरूप कहा जाता है, किसी पिंड का वेग कब समरूप कहा जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तब समरूप कहा जाता है। समरूप वेग का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अगर मान लिया कि ये तरह का ग्राफ है, ये समय का है और ये विस्थापन का, क्या है, विस्थापन का। तो यहाँ पर से जो इस तरह के ग्राफ जाएगा वो होगा समरूप का। विस्थापन और समय का ग्राफ वेग का मान देता है। अगला है, एक वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है। इसके फोकसांतर की हमें गणना करना है। तो यहाँ पर जो है 1/v + 1/u = 1/f फार्मूला होता है। तो 1/f बराबर होगा -1/8 - 1/12। तो ये हो जाएगा -3 - 2/24, यानी -5/24। एफ बराबर जो हमारे पास हो जाएगा -24/5, यानी -4.8 जो है वो सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर करता है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर करता है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 m/s² के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग जो है वो क्या होगा। तो वी बराबर जो होता है u + gt। यू क्या है, 0 है, प्लस 9.8 × 3 हो गया 29.4 m/s हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टी आवर्तकाल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराए तब इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो जब ऋणावेशित बॉब को धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराएंगे तो एक त्वरण बॉब पर लगेगा जिसका मान जो होगा वो ए होगा, जो बॉब को ऋणावेशन एवं प्लेट के धनावेशन के कारण उत्पन्न आकर्षण के प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो बॉब का आवर्तकाल टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2π√L/g+a हो जाएगा। त्वरण के मान के g+a के हो जाने से अर्थात बढ़ जाने के कारण आवर्तकाल जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, t से कम हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा b हो जाएगा। पानी के 4 डिग्री से शरीर पर तैरता है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो निम्न में क्या होगा। आंसर हो जाएगा ए, शरीर जो है वो डूब जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तब शरीर डूब जाएगा। पानी को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है जिससे घनत्व घट जाता है, जिससे शरीर का घनत्व बढ़ जाएगा और वह पूर्णतः डूब जाएगा। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर महत्तम होता है। अगला है, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएँ हाथ के नियम को उपयोग किया जाता है। अब क्या है फ्लेमिंग के बाएँ हाथ का नियम, यदि हम अपने अंगूठे, तर्जनी और दाहिने हाथ को मध्यमा अंगुली को एक दूसरे के लंबता व्यवस्थित करते हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कंडक्टर की गति की दिशा को इंगित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगा। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस जिसमें 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है, निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर अवतल लेंस की फोकस दूरी एफ जो है वो -30 सेंटीमीटर है, यू जो है -60 सेंटीमीटर है। तो फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, यानी 1/-30 = 1/v - 1/60। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/-30 - 1/60, यानी 1/v = -2 - 1/60, v = -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा होगा। मान लीजिए कि 3 माध्यमों ए, बी और सी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33 और 1.44 है। यदि ए, बी और सी में प्रकाश के वेग क्रमशः va, vb और vc है तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो होगा वो सही होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, vb > vc > va।
माध्यमा का आवर्तनांक जितना अधिक होगा माध्यमा में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15 त्रिभुज है। चलिए अगले पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा हमें ये देखना है। तो अगर 2 × 3 करते हैं तो क्या होता है 6, और इसमें प्लस 2 कर देते हैं तो 8 आ जाता है। 9 × 13 करते हैं अब प्लस क्या करते हैं फिर से 9 जोड़ते हैं, यानी ये वाला 2 जोड़े हैं अब ये वाला 9 जोड़ रहे हैं तो 126 आ रहा है। उसी तरह कितना करना है 16 × x + 16 = 192, एक्स का जो मान आएगा वो 11 आएगा, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वन हु इज अनअफेक्टेड या इनडिफरेंट टू जॉय पेन प्लेजर या ग्रीफ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टोइक। क्या हो जाएगा स्टोइक माने सुख दुख में समान रहने वाला। रिया इज खाली स्थान एट स्पीकिंग लैंग्वेज, इट इज डिफिकल्ट टू खाली स्थान ओनली ऑन पप्पी फॉर एनिमल शेल्टर, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी एडेप्ट और एडॉप्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड इट इज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, और इसका आंसर हो जाएगा सी ही सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस द नाइट बिफोर, आंसर हो जाएगा सी। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ से जो है हमें इनकरेक्टली करना है तो आंसर हो जाएगा क्या है कॉटियस, कॉटियस जो है स्पेलिंग गलत है, इसका सही स्पेलिंग होगा CORTEOUS, कॉटियस माने होता है विनम्र। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी इसका मतलब हो गया क्या होगा अपरिहार्य, आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ऑन क्लाउड नाइन, और इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा वेरी हैप्पी, ऑन क्लाउड नाइन का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वोमैन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, और इसका आंसर हो जाएगा डी मैट्रियर्च, इसका मतलब जो होता है कुल माता, वोमैन हु इज द हेड ऑफ ए फैमिली कुल माता। अगला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द सबर्ब्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द साइक्लोन लास्ट ईयर, और इसका आंसर जो हो जाएगा ए द साइक्लोन डिस्ट्रॉय ऑल द इलेक्ट्रिक पोल्स इन द सबर्ब्स लास्ट ईयर, आंसर होगा ए। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है चंद्रकांता उपन्यास के, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री है। देवकी नंदन खत्री का महत्वपूर्ण उपन्यास है चंद्रकांता संतति, देवकांता, भूतनाथ, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, आग, मैत्री, पुष्पा, इन्होंने उपन्यास लहरी पत्रिका का भी संपादन किया है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी खाली स्थान नहीं होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विचलित। अंतेवासी का अर्थ है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। लड़का पेड़ से गिरा उपरोक्त वाक्य में कारक बताइए, आंसर हो जाएगा सी अपादान कारक, क्या हो जाएगा अपादान कारक। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है आंसर हो जाएगा सी छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। न्यून शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, और इसका आंसर हो जाएगा बी कम या अल्प होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें पार्वती, इसका आंसर हो जाएगा सी गौरी, पर्वती का पर्यायवाची शब्द गौरी। उपरोक्त वाक्य को सही क्रम में लिखना है तो सही क्रम में प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 34 न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के बाद सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। मूल संविधान में 7 अन्य न्यायाधीश व 1 मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी 6 वर्ष तक का होता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है।
राज्यसभा का सभापति होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के सभापति पदेन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 व अनुच्छेद 89 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति पद का उल्लेख किया गया है। किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 में किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को यूपीए सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था। इंद्रधनुषी मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधा से ही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 खाली स्थान राष्ट्रीय जनगणना थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.09 करोड़ था। पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1975 में। भारत ने पाउंड स्टर्लिंग से रुपये को निकालने और 1975 में इसे मुद्राओं की टोकरी से जोड़ने का जो है वो फैसला किया। पाउंड स्टर्लिंग जो है यूके के मुद्रा है। खाली स्थान द्वारा फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी को राजधानी बनाया था। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धू एवं कानू जो है वह संथाल विद्रोह के नेता थे। संथाल या हुल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का था। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगाई थी? जंजीर ए अदली, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। जहांगीर ने अपने शासन का आरंभ उदारता और जनहित की भावना से किया। उसने आगरा किले के शाह बुर्ज से बाहर यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर लगवा दी, जिसे खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से न्याय की मांग कर सकता है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात वाहनों द्वारा। किसके द्वारा? सात वाहनों द्वारा जारी की गई। सात वाहन काल में चांदी, तांबा, शीशा और प्रोटीन पदार्थों का सिक्का चलाया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की? आंसर हो जाएगा ए, 1793 ईस्वी में। कब की? तो 1793 ईस्वी में की। 23 मार्च 1793 ईस्वी को कार्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ की। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बिशेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। रैयत बाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। इसे सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बराह महल जिले में लागू किया गया था। महलवाड़ी प्रणाली का जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। अगला है, क्षारीय बिलियन का मान पीएच क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 7 से अधिक है। अगर 0 से 7 तक है, 7 से थोड़ा कम है, तो ये जो हमारे पास होगा वो अम्ल होगा। 7 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से जितना भी अधिक होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। निम्नलिखित में कौन सा प्रारूपिक तत्व है? प्रारूपिक तत्व है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, Na एक प्रारूपिक तत्व है। आधुनिक सारणी में तीसरे आवर्त के सभी तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहा जाता है, अतः सोडियम जो है एक प्रारूपिक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो उपसहसंयोजक यौगिक SO2, CH4, CaCl2, MgCl2 में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SO2। पीतल में क्या होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, Cu+Zn होता है। Cu जो है वो कितना होता है? 70% होता है, और Zn जो होता है वो 30% है। इसका समानता जो उपयोग है वो बर्तन बनाने में। कन्फ्यूजन कहाँ रहता है? कासा में। कासा में Cu+Sn होता है, Cu+Sn होता है। सोल्डर में क्या होता है? सोल्डर में जो होता है वो Pb+Sn होता है। और नाइक्रोम में जो होता है, नाइक्रोम में क्या होता है? तो Ni+Cr होता है। कभी कभी पूछ दिया जाता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या होता है? Cu+Zn+Ni होता है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों देता है? मेथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षारीय विलयन में देता है। क्या होता है? क्षारीय विलयन में देता है। और लिटमस पत्र जो है वो क्षारीय विलयन में कैसा है? वो नीला देगा, और मेथिल ऑरेंज जो है वो नारंगी पीला देता है। एक जो पूछा जाता है फेनोपथलीन, वो क्षारीय विलयन में गुलाबी देता है। ये तीनों को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोन मिथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मल डिहाइड बनाती है। क्या बनाती है? फॉर्मल डिहाइड बनाती है। अगर फार्मूला देखा जाए रिएक्शन, तो CH4+2O3 ये बनता है HCHO, जो कि फॉर्मल डिहाइड है, +2O2+H2O है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कौन सा, CO+2H2CH3OH हो जाएगा, 2Mg+O2 2MgO हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यदि वायु के बुलबुलों को एक पात्र में लिए गए चूने के पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम कार्बोनेट के अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन जो है वो क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। विलयन जो क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जानवर मुकुलन यानी बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रा। हाइड्रा सिलेंट्रेट्रा संघ के जीव है। सिलेंट्रेट्रा संघ को निडेरिया संघ भी कहते हैं। उस एकल परिमेय संख्या की पहचान कीजिए जो दिए गए व्यंजक के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर जो एक व्यंजक दिया है उसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ जब करेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा, 1+4+9+16, ये 16 हो गया, गुना 2/15 अगुना ये जो हो जाएगा भागा में है 1/4, तो ये हो जाएगा गुना में 16/1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 30×2/15×16=64 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि चीनी के मूल में 12% की कमी के होने के कारण अक्षत 1200 में से 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो चीनी की वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, दशमलव के 2 स्थानों तक के करना है। तो माना कि चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है, एक्स है। चीनी के नया मूल्य क्या हो जाएगा, 1×88/100 यानी 0.88x। अब प्रश्न में कह रहा है 1200×0.88x-1200/x क्या होता है, 7 होता है। बस इसे हल कर देना है, ये हो जाएगा 1200×100/88x-1/x=7। ये 1200×100-88x=7 ये हो जाएगा 1200×12=7×88x। x बराबर हो जाएगा 23.376 हो जाएगा, यानी 23.38 रुपया हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन टी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समूह में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या हो जाएगा, शिक्षक की आयु हो जाएगा 14+26×1.5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 14+39 यानी 53 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 वर्ष। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 10%, 15% और 20% के क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होगा? तो चलिए निकालते हैं, सबसे पहले 10 और 15 के समतुल्य निकालते हैं। तो 10+15-10×15/100 ये हमारे पास हो जाएगा 25-1.5 यानी 23.5%। अब 23.5 और 20% क्यों निकालते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 23.5+20-23.5×20/100 ये हो जाएगा कितना, 43.5-4.7 हो जाएगा 38.8%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक दूध वाले के पास दूध और पानी के मिश्रण के 2 बर्तन हैं, ठीक है ना। पहले में 80% दूध और बाकी पानी है, अगर पहला कहा जाए तो उसमें 80% जो है वो दूध। दूसरा में क्या कह रहा है, दूसरा में 50% जो है वो दूध है। उस प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण लीटर मिलाना चाहिए ताकि 9 लीटर मिश्रण इस प्रकार प्राप्त हो जिसमें पानी और दूध का अनुपात जो है 1:2 हो। अपना उत्तर बर्तन 1 और बर्तन 2 के क्रम में हमें लिखना होगा। यहाँ पर जो है पहला दूसरा में यह है 4/5, ये जो है 1/2 है। अब करना है करके 2/3, ये जब इसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2/15
और ये गुना 30 हो जाएगा और ये जो हो जाएगा वो कितना 1/6 हो जाएगा। जब ये देखते हैं अनुपात में तो 5:4 होता है यानी 9 लीटर होता है। पहला बर्तन में 5 लीटर है तथा दूसरा बर्तन में 4 लीटर होना चाहिए। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ए। एक घन के किनारे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा के स्क्वायर होता है, यानी 6 गुना 3.5 के स्क्वायर होगा यानी 73.5 के सेंटीमीटर के स्क्वायर होगा। आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि सेक थीटा बराबर 2.4/23 है तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर इतना है, इसको लिख सकते हैं कितना 50/23, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा कितना है 50/23 के स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 2500/529 -1 हो जाएगा, यानी 1971/529 हो जाएगा, यानी 3.384/529 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोणों को योग का 5 गुना है तो प्रत्येक समान कोण का मान क्या हो जाएगा? तो चलिए आइए इसे निकालते हैं। कह रहा है कि ये जो है वो समान है और ये असमान है, यानी अगर ये है बी है सी है तो प्रश्नानुसार जो हमारे पास हो जाएगा, माना कि समकोण त्रिभुज जो है ये अगर एक्स एक्स है तो ये क्या हो जाएगा वो 10x हो जाएगा। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 5 गुना x + x बराबर कितना हो जाएगा 10x। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री बराबर है 10x + x + x का, यानी 12x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, कितना हो जाएगा 15 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, वो था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कम्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेबी कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष भीमेश चंद बनर्जी थे, जबकि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष थे। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट को डिजाइन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एडविन लुटियस ने डिजाइन किया था। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जिसका निर्माण जो है 1931 में प्रथम विश्व युद्ध व तृतीय अंगला अफगान युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था। 42 मीटर ऊंचे इस विशाल द्वार का निर्माण राजपथ दिल्ली के लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। स्थापत्य की दृष्टि से इंडिया गेट की तुलना रोमन ट्रिम्पकल आर्च आर्क द ट्रिम्पे पेरिस तथा गेटवे ऑफ इंडिया से की गई थी। नेक्स्ट है भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1982 में किया गया था। पहला एशियाई खेलों का आयोजन जो है 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2002 में समावेशित किया गया है। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की प्रावधान किया गया है। निम्नांकित में कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी प्रतिबंध नौकरशाही। क्या होगा? प्रतिबंध नौकरशाही संघीय व्यवस्था का तत्व नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कर्नाटक के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संतुति करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 बार संशोधित किया गया है। प्रस्तावना को कब किया गया है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन में किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्षता जो है वो पंचशील का जो है वो सिद्धांत नहीं है। 29 अप्रैल
30 अप्रैल 1954 को पंसिल समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। पंसिल सिद्धांत के अंतर्गत आता था कि दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करेंगे, समानता और पारस्परिक लाभ एवं सहयोग करेंगे। अगला है भारत श्रीलंका के बीच जो है वो वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर खाली स्थान में हस्ताक्षर किए गए थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998 में हस्ताक्षर किए गए थे। 1987 में भारत श्रीलंका शांति सेना भेजा था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट खाली स्थान में प्रस्तुत किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ए 1947 में प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के सन्मुख सेट्ठी ने 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। अब भारत में पहली बार बजट 18 फरवरी 1860 में प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2, 5, 10, 100 के मूल वर्ग में खाली स्थान में जारी किए गए थे, और इसका आंसर हो जाएगा ए 1950 में जारी किए गए थे। स्वतंत्र भारत में पहला बैंक नोट 1 रुपया का नोट था, यह नोट 1949 में जारी किया गया था। भारत सर्वप्रथम 2000 रुपया का नोट 25 अगस्त 2017 में जारी किया है। अगला है भारत निम्न में से कौन सा उद्योग की स्थिति निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनसंख्या। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मादा युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी पुराने जाइलम में। अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है, इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हार्मोन किस क्रिया के लिए उपयोगी है, और इसका आंसर हो जाएगा ए उपापचयी प्रक्रिया है। तो क्या है? उपापचयी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीसी। आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। क्या एक्स गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और वाई गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है, और इसका आंसर हो जाएगा डी नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, आंसर हो जाएगा सी युग्मक निर्माण के समय 2 युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, तो ये कथन जो है वो गलत है। हृदय की मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है, इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाले शिथिलन विशांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी स्टेथोस्कोप। क्या होता है? स्टेथोस्कोप। एक नाव धारा की प्रतिकूल 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल सकती है, धारा की चाल जो है वो क्या होगा? धारा के प्रतिकूल चाल कितना है? एक्स माइनस वन बराबर 25 है। धारा के अनुकूल है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 35 है। तो धारा की चाल वाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 35 माइनस 25/2 यानी 10/2 यानी 5 किलोमीटर बराबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्स प्लस 2y = 3, 3x - 2y = 1 के ग्राफ वाई अक्ष के दो बिंदुओं पर मिलते हैं जिनके बीच दूरी है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 2y = 3 है, और एक्स जब कब होगा? एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 3/2 होगगा, तो ये होगा 3x - 2y = 1 कब होगगा? जब एक्स बराबर 0 और वाई बराबर -1/2 होगगा, ये हो जाएगा 0 3/2 और ये हो जाएगा 0 -1/2 हो जाएगा। यहाँ से d निकल जाएगा, तो d बराबर होगा √0 - 0² + -½ - 3/2² बराबर 2 इकाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 इकाई, आंसर जो हो जाएगा वो d होगा। दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटे और 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। ट्रेन 3 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो माना कि दूसरी ट्रेन की लंबाई जो है वो
एक्स मीटर है। तो समय बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा क्या होगा, चाल होगा। यानी 180 बराबर एक्स प्लस 230 बटा 90 माइनस 80 गुना 5 गुना 18 हो जाएगा। यानी 180 गुना 25 बराबर 9x प्लस 2070। तो 9x बराबर हो जाएगा 4500 माइनस 2070। तो 9x बराबर हो जाएगा 2430। x बराबर हो जाएगा 270। अतः दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है, 270 मीटर। आंसर हो जाएगा ए। दी गई आकृति में cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आकृति दिया हुआ है उसमें cos थीटा का मान देना है। तो पी आर बराबर होगा अंडर रूट 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर यानी 5 के, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सात व्यक्ति है जो एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। भी और पी के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर भी बैठे हुए हैं और यहाँ पर पी बैठे हुए हैं, इसके बीच में दो व्यक्ति जो है वो बैठे हुए हैं। भी के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, भी के दाईं ओर भी, ये जो हो जाता है दाएं और यहाँ पर जो होगा ये बाएं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दो व्यक्ति बैठे हैं, डी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर डी बैठा हुआ है तो एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो यहाँ जो हो जाएगा वो एस हो जाएगा। डी और एफ निकटतम पड़ोसी पी है, निकटतम पड़ोसी पी है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ नहीं हो, यहाँ पर जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, पड़ोसी पी है। सी एस का निकटतम पड़ोसी है, सी जो है वो एस का, तो यहाँ पर हो जाएगा सी। तो बच गया भी और डी के बीच में कौन, आर बच गया। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो हो जाएगा बी, तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। जीवाणु अपघटन करता है तो खमीर क्या करता है, किण्वन करता है। आंसर हो जाएगा डी। यदि शब्द कंप्यूटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित होगा। अगर इस यहाँ पर सबसे पहले लिखिए कंप्यूटर, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सी ई एम ओ पी आर टी यू होगा। यहाँ पर कौन कौन नहीं बदला, सी तो बिल्कुल नहीं बदला और एम जो है वो नहीं बदला, दो नहीं बदला, तो आंसर हो जाएगा सी। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है, और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से है। गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थल के समीप वाल्मीकि नगर के निकट बांध का निर्माण किया गया था। इस बांध के पश्चिम छोर पर सारण नहर एवं पूर्वी छोर पर जो है वो तिरहुत नहर निकाली गई है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा जो जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो बांदीपुर जो है तमिलनाडु में है, ये सही नहीं है। बांदीपुर अगर कहा जाए तो ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। मानस जो है असम में है। रणथंभौर राजस्थान में। सिमलीपाल उड़ीसा में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे का सही जवाब है ऑप्शन डी, जो बिहार में है। उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में, दक्षिण रेलवे का चेन्नई में, पूर्व रेलवे का कोलकाता में, पश्चिम रेलवे के चर्चगेट मुंबई का, और दक्षिण पूर्व के कोलकाता में, उत्तर पश्चिम के जयपुर में, ये सब जो है ये मुख्यालय है। अगला है, खाली स्थान की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्यान के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्यान के नाम से जाना जाता है। फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, जूट और भांग, जूट और भांग। भारत में मानसून निवर्तन किस महीने के दौरान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर और नवंबर में होता है। क्या होता है, अक्टूबर और नवंबर में। स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नारा दिया गया था, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन, पहले देख लेते हैं कि 94 का एक छूट गया है। निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट का है। मुंबई देश का सबसे बड़ा वर्ष भर खुला रहने वाला प्राकृतिक बंदरगाह है, जो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नारा दिया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्ति तक मत रुको, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे भारत देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेला सुरंग। किसे दिया गया है, तो दिया गया है सेला सुरंग को। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सेला सुरंग दुनिया की सबसे बड़ी दो लेन वाली सुरंग है। 2023-24 के राजकोषीय नीति आवरण के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्रमशः कितना का योगदान देते हैं,
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 54.4% और 45.6% का। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा कल्याण हेतु भारत में आदिवासी निम्नलिखित में कौन सा अभियान शुरू किया है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी करीना कपूर को। निम्नलिखित में किसे उर्दू साहित्य के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सादिका नवाब को। किसे? सादिका नवाब को। यह था बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।